प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टर्स मीट एंड एक्सपो इवेंट 2020 को गोरखपुर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित करते हुए कहा कि ऊर्जा की खपत एवं उत्पादन विकास का मुख्य आधार है, क्योंकि ऊर्जा का उपयोग कृषि, उद्योग, ट्रांसपोर्ट, रोजगार सृजन आदि सभी कार्यक्रमों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश मानव शक्ति एवं भौगोलिक रूप से देश की में अग्रणी स्थान रखता है, जिसके कारण विकास एवं औद्योगिकरण में अच्छे ऊर्जा स्रोतों के माध्यम से बड़े पैमाने पर ऊर्जा उत्पादन, विशेषकर सौर एवं बायो ऊर्जा की असीमित संभावनाओं के साथ मांग भी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार हर घर को बिजली प्रदान करने के लिए कृतसंकल्प है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लगभग सभी गांवों को विद्युतीकरण किया जा चुका है तथा सौभाग्य योजना के अंतर्गत हर घर को बिजली प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें सौर ऊर्जा का भी काफी बड़ा योगदान है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सौर ऊर्जा से विद्युत उत्पादन में निजी भागीदारी को बढ़ावा दिए जाने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार द्वारा सौर ऊर्जा नीति 2017 प्रख्यापित की गई है, जिसमें ओपन एक्सेस के द्वारा थर्ड पार्टी विक्रय, कैप्टिव उपयोगार्थ सोलर पावर परियोजनाओं की स्थापना एवं सोलर पार्क जिसमें एक साथ कई सौर पावर परियोजनाओं की स्थापना की जा सकती है, और नीति के अंतर्गत वर्ष 2022 तक कुल 10,700 मेगावाट क्षमता की सौर विद्युत परियोजनाओं की अधिष्ठापना का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसमें 6400 मेगावाट यूटिलिटी स्केल और विद्युत परियोजनाएँ एवं 4300 मेगावाट रूफटॉप सोलर पावर प्लांट की स्थापना का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उन्होंने कहा कि सौर ऊर्जा नीति अंतर्गत 1122 मेगावाट क्षमता की सौर पावर परियोजनाओं का आवंटन किया जा चुका है, जिसमें 500 मेगावाट क्षमता की परियोजनाओं की मार्च 2021 तक पूरा करने का लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि ओपन एक्सेस के अंतर्गत तृतीय पार्टी सेल कैप्टिव उपयोगार्थ 900 मेगावाट क्षमता की परियोजना के आवंटन की कार्यवाही गतिमान है। उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड क्षेत्र में सौर विद्युत परियोजनाओं को बढ़ावा दिए जाने के उद्देश्य से 4000 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर का निर्माण कराया जाएगा। इस कॉरिडोर में उत्पादित ऊर्जा की निकासी के लिए पारेषण तंत्र के विकास पर लगभग 5500 करोड़ रुपए का निवेश संभावित है। उन्होंने कहा कि नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार की अल्ट्रा मेगा रिन्यूएबल सोलर पावर पार्क योजना अंतर्गत 1200 मेगावाट क्षमता की जनपद जालौन में सोलर पावर पार्क की स्थापना की सैद्धांतिक सहमति MNRE से प्राप्त हो गई है। इस पार्क की स्थापना UP नेडा एवं NHPC लिमिटेड के संयुक्त उपक्रम बुंदेलखंड सौर ऊर्जा लिमिटेड BSUL द्वारा की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में जैव ऊर्जा प्रोत्साहन कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत बायोफ्यूल से संबंधित उद्यम की स्थापना, 15 से 25 प्रतिवर्ष वित्तीय उत्पादन, 10 वर्षों तक SGST की प्रतिपूर्ति तथा भूमि क्रय पर स्टाम्प ड्यूटी में 100% छूट प्रदान की जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि विभिन्न विकास खंडों के मुख्य ग्रामीण बाजारों में सार्वजनिक मार्ग प्रकाश व्यवस्था के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय सोलर स्ट्रीट लाइट योजना चलाई जा रही है। योजना के अंतर्गत अब तक 25,569 संयंत्रों की स्थापना की जा चुकी है। चालू वित्तीय वर्ष में 7,000 सोलर स्ट्रीट लाइटों की स्थापना की जाएगी। साथ ही मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना अंतर्गत चयनित राजस्व ग्रामों में वैकल्पिक मार्ग प्रकाश व्यवस्था के लिए सोलर स्ट्रीट लाइट संयंत्रों की स्थापना की जा रही है। योजना के प्रथम चरण में चयनित राजस्व ग्रामों में अब तक 13,791 सोलर स्ट्रीट लाइटों की स्थापना की जा चुकी है। चालू वित्तीय वर्ष में 2500 सोलर स्ट्रीट लाइटों की स्थापना की जाएगी। सौभाग्य योजना के अंतर्गत प्रदेश के ऐसे सभी घरों को सौर ऊर्जा के माध्यम से विद्युतीकृत किया जा रहा है। लगभग 1,00,000 घरों को सोलर पावर पैक के माध्यम से विद्युतीकृत किया जाने का लक्ष्य है, जिसके सापेक्ष लगभग 45,000 घरों में सोलर पावर पैक स्थापित किए जा चुके हैं। इस अवसर पर केंद्रीय ऊर्जा मंत्री सहित मध्य प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, त्रिपुरा के मुख्यमंत्रियों सहित लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में प्रतिभाग किया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए यूपी नेडा के डायरेक्टर भवानी सिंह ने कहा, उत्तर प्रदेश की आप हमको आपका
ऑप्शन देके यहाँ पर हम आपका स्किल के बारे में आप जो हो रहा है क्या कर रहे हैं, बहुत बहुत प्रोग्रेस जो हम देख रहे हैं रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर, उसके ऊपर आपका विचार और आपका भाषण सर। थर्ड ग्लोबल आदि इन्वेस्टर कि आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित केंद्रीय ऊर्जा मंत्री माननीय श्री आर के सिंह जी, मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी, गुजरात के माननीय मुख्यमंत्री श्री विजय रूपाणी जी, हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी, राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी, त्रिपुरा के माननीय मुख्यमंत्री श्री बिप्लव कुमार देव जी, लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर श्रीमान राधा कृष्ण माथुर जी, DGCII श्री चंद्रजीत बनर्जी, आज के इस ग्लोबल आरई इन्वेस्ट 2020 के इस सीएम समिट में उपस्थित सभी इन्वेस्टर्स, उपस्थित महानुभाव और इस क्षेत्र के विशेषज्ञगण, मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। हम सब इस बात से पूरी तरह सहमत हैं कि ऊर्जा की खपत और उसका उत्पादन ये विकास का एक मुख्य आधार है। ऊर्जा का उपभोग कृषि, उद्योग, ट्रांसपोर्ट, रोजगार सृजन आदि सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में इसकी उपयोगिता है। उत्तर प्रदेश मानव शक्ति और भौगोलिक रूप से देश के अग्रणी राज्यों में है, जिसके कारण विकास और औद्योगिकरण में अक्षय ऊर्जा स्रोतों के माध्यम से बड़े पैमाने पर ऊर्जा उत्पादन, विशेषकर सोलर एनर्जी और बायोफ्यूल एनर्जी की जो असीमित संभावनाएं प्रदेश के अंदर हैं, उन सभी संभावनाओं के प्रति अपनी पूरी प्रतिबद्धता को व्यक्त करता है। इसी भाव को लेकर के प्रदेश ने सौर ऊर्जा से संबंधित विद्युत उत्पादन में निजी भागीदारी को बढ़ावा दिए जाने के उद्देश्य से अपनी पॉलिसी 2017 में प्रख्यापित की थी। प्रदेश सरकार की इस नीति के अंतर्गत थर्ड पार्टी विक्रय के लिए ओपन एक्सेस की सुविधा प्रदेश सरकार ने उपलब्ध कराई है। कैप्टिव उपयोगार्थ सोलर पावर परियोजनाओं की स्थापना एवं सोलर पावर पार्क, जिसमें एक साथ कई सोलर पावर परियोजनाओं की स्थापना की जा सकती है, के विकास का भी प्रावधान प्रदेश सरकार ने रखा है। नीति के अंतर्गत सन 2022 तक 10,700 मेगावाट क्षमता की सौर विद्युत परियोजनाओं के अधिष्ठान का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसमें 6,400 मेगावाट यूटिलिटी स्केल
सौर विद्युत परियोजनाओं का, 4,300 मेगावाट रूफटॉप सोलर पावर प्लांट की स्थापना के लक्ष्य को प्रदेश सरकार ने निर्धारित किया है। प्रदेश सरकार की जो सौर ऊर्जा नीति 2017 है, इसमें प्रोत्साहन के लिए कुछ प्रावधान किए गए हैं, जैसे ऑनलाइन सिंगल विंडो क्लियरेंस की व्यवस्था, सोलर पावर परियोजनाओं की स्थापना हेतु भूमि पर 100% स्टैंप ड्यूटी में छूट, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी में 10 वर्ष के लिए 100% की छूट, सोलर पावर परियोजना हेतु पर्यावरण क्लियरेंस के लिए जाने की छूट, थर्ड पार्टी को पावर सेल अनुमन्य किया गया है, जिसमें पावर सेल पर इंट्रा स्टेट में व्हीलिंग ट्रांसमिशन चार्जेस पर 50% तथा इंटर स्टेट पर 100% की छूट दिए जाने का प्रावधान भी हमारी इस पॉलिसी के अंतर्गत है। प्रदेश के बुंदेलखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में स्थापना हेतु 5 मेगावाट एवं अधिक क्षमता के सोलर पावर परियोजना के ग्रिड संयोजन हेतु पारेषण लाइन पर आने वाले व्यय राज्य सरकार के द्वारा वहन करने के लिए कुछ व्यवस्थाएं दी गई हैं, जैसे 5 मेगावाट से 10 मेगावाट क्षमता के लिए 10 किलोमीटर तक, 10 मेगावाट से 50 मेगावाट क्षमता के लिए 15 किलोमीटर तक और 50 मेगावाट से अधिक के लिए 20 किलोमीटर तक। यह सुविधा प्रदेश सरकार अपनी पॉलिसी के अंतर्गत सुविधा दे रही है। प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में सौर विद्युत परियोजनाओं को बढ़ावा दिए जाने के उद्देश्य से 4000 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के निर्माण का प्रस्ताव किया गया है। इस कॉरिडोर में उत्पादित ऊर्जा की निकासी के लिए पारेषण तंत्र के विकास पर लगभग 5,500 करोड़ रुपए व्यय करने की संभावना है। वर्ष 2021 से 2025 तक 4 वर्षों में प्रतिवर्ष 1000 मेगावाट की परियोजनाएं स्थापित कर लक्ष्य प्राप्त करने की एक योजना तैयार की गई है। प्रदेश में निजी विकासकर्ताओं द्वारा अब तक कुल 969 मेगावाट क्षमता की यूटिलिटी स्केल सौर विद्युत परियोजनाओं की स्थापना की गई है। सौर ऊर्जा नीति के अंतर्गत आमंत्रित बिडिंग के माध्यम से 1,122 मेगावाट क्षमता की सौर पावर परियोजनाओं का आवंटन अब तक किया जा चुका है। इनमें से 500 मेगावाट क्षमता की परियोजनाओं की कमिशनिंग मार्च 2021 तक अपेक्षित है। सौर ऊर्जा नीति के अंतर्गत 535 मेगावाट क्षमता की सौर पावर परियोजनाएं ओपन एक्सेस के अंतर्गत थर्ड पार्टी विक्रय अर्थात कैप्टिव उपयोगार्थ स्थापना हेतु आमंत्रित की गई, जिनमें से 70 मेगावाट क्षमता की परियोजनाओं की कमिशनिंग हो गई है। अवशेष की कमिशनिंग मार्च 2021 तक अपेक्षित है। ओपन एक्सेस के अंतर्गत थर्ड पार्टी यानी कैप्टिव उपयोगार्थ 900 मेगावाट क्षमता की परियोजनाओं के आवंटन की कार्रवाई यहां पर गतिमान है। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार की अल्ट्रा मेगा रिन्यूएबल सोलर पावर पार्क योजना के अंतर्गत जनपद जालौन में 1200 मेगावाट क्षमता के सोलर पावर पार्क की स्थापना की एक सैद्धांतिक सहमति MNRE से प्राप्त हो गई है। इस पार्क की स्थापना यूपी नेडा
एवं एनएसपीसी लिमिटेड की संयुक्त उपक्रम बुंदेलखंड सौर ऊर्जा लिमिटेड द्वारा की जाएगी। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अल्ट्रा मेगा रिन्यूएबल सोलर पावर पार्क योजना के अंतर्गत जनपद झांसी में तथा जनपद ललितपुर में 6600 मेगावाट क्षमता के सोलर पावर पार्क की स्थापना की एक सैद्धांतिक सहमति भी प्रदान की गई है। इन सोलर पार्क की स्थापना यूपी नेडा और टीएसडीसी की लिमिटेड के संयुक्त उपक्रम टिस्को लिमिटेड द्वारा की जाएगी। नवीन एवं नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा कृषकों की आय में बढ़ोतरी के उद्देश्य से प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान यानी प्रधानमंत्री कुसुम योजना प्रारंभ की गई है। यह एक महत्वाकांक्षी योजना उत्तर प्रदेश में भी संचालित करने की व्यवस्था की गई है। पीएम कुसुम के कंपोनेंट ये के तहत कृषकों द्वारा अपनी अनुपयोगी भूमि पर 500 किलोवाट क्षमता से लेकर अधिकतम 2 मेगावाट क्षमता के सोलर पावर प्लांट स्थापित किए जा सकते हैं। स्थापित सोलर पावर प्लांट को का ग्रिड संयोजन 35/11 केबी सब स्टेशन पर किया जाएगा। इस प्रकार चिन्हित सब स्टेशन के 5 किलोमीटर की परिधि में अनुपजाऊ या बंजर भूमि पर सोलर पावर प्लांट की स्थापना कृषकों के द्वारा की जा सकती है। भारत सरकार से 75 मेगावाट क्षमता के लक्ष्य की स्वीकृति प्राप्त हुई है। इसके सापेक्ष कृषकों के चिन्हीकरण की कार्रवाई बिडिंग के द्वारा प्रारंभ की जा रही है। एमएनआरआई भारत सरकार द्वारा वर्ष 2019-20 में पीएम कुसुम योजना प्रारंभ किया गया है। पीएम कुसुम योजना के कंपोनेंट बी के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा 8000 सोलर पंप का लक्ष्य 19-20 के लिए निर्धारित किया गया है और निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष प्रदेश में इसके स्थापना का कार्य भी युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाया गया है। योजना के क्रियान्वयन हेतु शासन द्वारा कृषि विभाग को नोडल विभाग नामित किया गया है। पीएम कुसुम योजना के कंपोनेंट सी के अंतर्गत निजी ग्रिड संयोजित नलकूपों का सौर ऊर्जीकरण करते हुए नेट मीटरिंग के माध्यम से अतिरिक्त सौर ऊर्जा उत्पादन का लाभ देकर कृषकों की आय में वृद्धि का भी प्रावधान है। कृषकगण सिंचाई के उपरांत अतिरिक्त उत्पादित विद्युत का विक्रय राज्य की विद्युत वितरण कंपनी को भी कर सकेंगे। इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2022 तक 20,000 निजी नलकूपों का सौर ऊर्जीकरण किया जाना लक्षित है। ग्रिड कनेक्टेड सोलर रूफटॉप पावर प्लांट लगाए जाने का प्रावधान भी किया गया है। अब तक प्रदेश में कुल 229 मेगावाट क्षमता के ग्रिड कनेक्टेड सोलर रूफटॉप पावर प्लांट की स्थापना कराई जा चुकी है। प्रदेश में जैव ऊर्जा प्रोत्साहन कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। इसके अंतर्गत बायोफ्यूल से संबंधित उद्यम की स्थापना पर 15-25% वित्तीय उपादान, 10 वर्षों तक SGST की प्रतिपूर्ति तथा भूमि क्रय पर स्टाम्प ड्यूटी में 100% छूट प्रदान की जा रही है। योजना के अंतर्गत अब तक बायोफ्यूल उत्पादन के उपयुक्त 14 प्रस्तावों की स्वीकृति दी जा चुकी है। वाणिज्यिक भवनों में ऊर्जा की बचत और संरक्षण हेतु प्रदेश सरकार द्वारा जुलाई 2018 में ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता 2018 की अधिसूचना जारी की गई है। इसी क्रम में ECBC को भवन संहिता में अंगीकार किए जाने हेतु उत्तर प्रदेश आवास विभाग द्वारा जनवरी 19 में एक शासनादेश भी निर्गत किया गया है।
इसके अंतर्गत इस संहिता से आच्छादित प्रदेश के सभी सरकारी एवं वाणिज्यिक भवनों का निर्माण ईसीबीसी मानकों के अनुरूप ही किया जा रहा है। प्रदेश के विभिन्न विकास खंडों के मुख्य ग्रामीण बाजारों में सार्वजनिक मार्ग प्रकाश व्यवस्था हेतु पंडित दीनदयाल उपाध्याय सोलर स्ट्रीट लाइट योजना प्रदेश के अंदर संचालित की गई है। योजना के अंतर्गत अब तक 25,569 संयंत्रों की स्थापना की जा चुकी है। चालू वित्तीय वर्ष में 7,000 सोलर स्ट्रीट लाइट की स्थापना का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना के अंतर्गत चयनित राजस्व ग्रामों में वैकल्पिक मार्ग प्रकाश व्यवस्था हेतु सोलर स्ट्रीट लाइट संयंत्रों की स्थापना की जा रही है। योजना के प्रथम चरण में चयनित राजस्व ग्रामों में अब तक 13,791 सोलर स्ट्रीट लाइटों की स्थापना की जा चुकी है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में 2,500 सोलर स्ट्रीट लाइट की स्थापना प्रस्तावित की गई है। सौभाग्य योजना के अंतर्गत प्रदेश में ऐसे सभी घरों को सौर ऊर्जा के माध्यम से विद्युतीकृत किया जाना है जिन्हें ग्रिड लाइन से विद्युतीकृत किए जाने में कठिनाई है। लगभग 1,00,000 घरों को सोलर पावर पैक के माध्यम से विद्युतीकृत किए जाने का लक्ष्य है। योजना के अंतर्गत लगभग 45,000 घरों में सोलर पावर पैक अब तक स्थापित किए जा चुके हैं। प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में स्वच्छ पेयजल एवं विद्युत की आपूर्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्राथमिक विद्यालयों में सोलर आरओ वाटर संयंत्रों की स्थापना की योजना संचालित की जा रही है। योजना के तहत अब तक 3,400 प्राथमिक विद्यालयों में इस सुविधा का लाभ प्रदान किया गया है। प्रदेश में सिंचाई हेतु कृषकों का अनुदान पर सोलर पंप उपलब्ध कराए जाने की योजना भी क्रियान्वित की जा रही की गई है। इस योजना के अंतर्गत विभिन्न क्षमता के कुल 29,648 सोलर पंप्स की स्थापना भी कृषकों के लिए उपलब्ध कराई गई है। मुझे विश्वास है कि जिस भाव के साथ भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय ने इस समिट का आयोजन किया है, यह निश्चित ही अपने लक्ष्यों को प्राप्त करेगा। और ग्रीन एनर्जी आज की आवश्यकता है। आज की इस आवश्यकता को ध्यान में रखकर के जिस ऊर्जा के साथ, जिस विजन के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में माननीय ऊर्जा मंत्री श्री आर के सिंह जी ने इस दिशा में कार्य प्रारंभ किया है, मुझे विश्वास है कि निश्चित ही हम लोग उस विजन के अनुरूप आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल होंगे। मैं इस पूरे अभियान के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि ऊर्जा के क्षेत्र में माननीय ऊर्जा मंत्री भारत सरकार के नेतृत्व में यह देश नई आत्मनिर्भरता को प्राप्त करने में सफल होगा। इस पूरे समिट के प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। कि भारत सरकार का नवीन ऊर्जा नवीकरणीय विभाग हर साल एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम कराता है और इस साल कोविड के दृष्टिगत यह कार्यक्रम वर्चुअल माध्यम से कराया गया और ये 3 दिवसीय कार्यक्रम है। इसमें आज माननीय मुख्यमंत्रीगण विभिन्न प्रदेशों के, उन्होंने अपने अपने प्रदेश में जो सौर ऊर्जा को और नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न प्रकार के सरकारी प्रोत्साहन तय किए हैं, उनके विषय में उन्होंने विस्तार से निवेशकों को बताया। और इस पूरी चर्चा के दौरान यह निकल करके आया कि उत्तर प्रदेश राज्य में लाभ
प्रोत्साहन जो सरकार दे रहे हैं वो अन्य प्रदेशों के मुकाबले बहुत बेहतर है, और माननीय मुख्यमंत्री ने बहुत विस्तार से ये सारी चीज़ें बताई। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि विभिन्न देशों के जो बड़ी बड़ी बैंक्स हैं जो इन प्रोजेक्ट्स को लोन देती हैं, उनके प्रतिनिधि भी इसमें मौजूद थे। और इस पूरे आज के कार्यक्रम का संचालन माननीय मंत्री जी, जो भारत सरकार में माननीय आर के सिंह जी, उनके द्वारा किया गया। बहुत सफल कार्यक्रम रहा, लगभग 2 घंटे माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसमें हम लोगों को समय दिया। हम लोग उनके हृदय से आभारी हैं।